हेलो गाइस, आई एम बैक एंड दिस टाइम स्ट्रेट फ्रॉम द हिल्स। सो गाइस, अगर आप ये लोकेशन गेस कर पा रहे हो तो प्लीज़ इसको गेस करने की कोशिश करो और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि इस समय हम किस लोकेशन पे हैं। सो अगर आप लोगों ने करेक्ट गेस कर लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम किस लोकेशन पे हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा हमने निकाली पंच की टैंक टू टैंक माइलेज हाईवेज में, तो आज हम ट्राई करेंगे पंच की माइलेज निकालने का हिल्स में। और जिन लोगों के क्वेश्चंस थे कि पंच की क्या माइलेज आती है हिल्स पे और क्या हम पंच को कंसिडर कर सकते हैं हिल्स पे, तो आज उन सब क्वेश्चंस का जवाब देंगे और देखेंगे पंच क्या माइलेज निकालती है हिल्स पे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो मैं फटाफट जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर सीधे मिलता हूँ आपसे रोड पे एंड निकालते हैं पंच की आज हिल्स पे क्या माइलेज आती है। सो गाइस, अब आ गए हम रोड पे एंड अब करते हैं इस कार का मीटर्स रीसेट एंड देखते हैं ये कार हिल्स पे कितना माइलेज निकालती है। सो गाइस, मैंने इसका मीटर सेट कर दिया है एंड अब निकलते हैं रोड पे और देखते हैं कि क्या माइलेज निकाल के देती है कार हमें हिल्स पे। हम हिल्स पे तो आ गए और आज हिल्स का हम अपना माइलेज टेस्ट भी कर रहे हैं हिल्स पे पंच का। बट यार, इस हिल्स में कार ड्राइव करते करते यार मुझे एक चीज याद आई, सोचा आपसे पूछता हूँ कि अगर आप में से लाइक कौन कौन पसंद करता है हिल्स पे ड्राइव करना, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप लोगों को भी पसंद है हिल्स पे ड्राइव करना। और जो हिल्स पे यार चला के जो फील आता है ना, वो आई डोंट थिंक सो आपको कभी सिटी ड्राइविंग पे मिलेगा। जो व्यूज़ देखने को मिलते हैं, मेरे को ये व्यूज़ जो आप सामने देख रहे हो यार, ये व्यूज़ देख के मुझे याद आया कि चलो आपसे इस टॉपिक पे बात करूं और मैं पूछूं कि यार आप में से कौन कौन लोग पसंद करता है हिल्स पे ड्राइव करना और किसको पसंद है ये जो यहाँ हिल्स पे जो सुकून मिलता है हमारे को, तो आप कौन कौन लोग पसंद करता है ये सब चीज़ें। तो बात रही कार की परफॉर्मेंस की हिल्स पे, तो करंटली यार अभी मैंने इसको चला दिया है 32.4 किलोमीटर और एवरेज बढ़ी है बिकॉज ट्रैफिक जो मुझे पीछे मिला था उसकी वजह से उस समय एवरेज मैंने जो आपको बताई थी 9 point something आ रही थी, बट अब वो एवरेज बढ़कर 13.5 हो गई है एंड आई होप मैं जिसको और जितना ड्राइव करूँगा और ज़्यादा ये बढ़ती रहेगी एवरेज। तो जैसे जैसे आप कार को ड्राइव करते रहोगे हिल्स पे भी मुझे लगता है कि यार ये कार एक अच्छी एवरेज आपको दे सकती है बिकॉज 13.5 मैं अभी इसमें मुझे मिल रही है। और अगर आपके जितना आप एक्चुअली हिल्स में होता है यार, जितना आप चढ़ोगे उतना आपका थोड़ा सा इंजन में पावर ज़्यादा लगती है, तो उस समय फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है इंजन से, और जैसे ही आप उतरोगे वैसे ही आपका फ्यूल कंजप्शन कम हो जाता है और एवरेज आपको बढ़ती हुई दिखती है। तो हिल्स पे भी ये कार अभी तक तो अच्छा परफॉर्म कर रही है और अभी एवरेज भी मुझे हिल्स के मुकाबले, मुझे अगर मैं कंपेयर करूं हिल्स में जो एवरेज मिलती है नॉर्मल कार से, मुझे एवरेज उतनी ही मिल रही है इस कार से भी। तो मुझे नहीं लग रहा कि हिल्स में एवरेज को लेके भी इसमें कोई फाइट है। फाइट जो मुझे इस कार में लगती है माइलेज को लेके, वो उस समय लगती है जब आपको पास ज़्यादा ट्रैफिक कंडीशन हो। जैसे अभी सिटी की बात करूँ मैं, सिटी में अगर आपको ज़्यादा ट्रैफिक कंडीशन मिलेगी तब ये इस कार में फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करती है ये कार फ्यूल, इसका इंजन फ्यूल कंजप्शन बढ़ा देता है और एवरेज आपको ड्रॉप सिटी में देखने को मिलता है, या सिटी में या कहीं पे भी जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक कंडीशन हो आपको वो फ्यूल इकोनॉमी में माइलेज में ड्रॉप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अदरवाइज अगर ट्रैफिक कंडीशन सही है, जैसे मैंने अपनी कई वीडियोज में पहले बताया कि अगर आपकी सिटी में ट्रैफिक कंडीशन ज़्यादा नहीं है, आपके सिटी में इतना ट्रैफिक नहीं है, तो आप इस कार की तरफ जा सकते हो यार, काफ़ी अच्छी कार है और बिकॉज कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है, तो जिस तरह से हमें रिक्वायरमेंट होती है सिटी में या कहीं पे भी एक कॉम्पैक्ट कार जो कहीं पे भी चली जाए, जो कैपेबल हो अगर थोड़ा बहुत ऑफ रोड जैसा पैच मिले वो भी कवर करने के लिए, बिकॉज छोटे मोटे पैच ये ऑफ रोड के कवर कर लेती है बिकॉज जो ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलता है
वो आपको काफी हेल्प करता है अगर छोटे मोटे खराब रास्तों में भी चलाने में। सस्पेंशन गाड़ी का काफी अच्छा है तो आपको वो खराब रास्ते फील भी नहीं होंगे कभी। तो इन सब चीजों को अगर कंसिडर करूं तो अगर उस सेंस में अगर इस कार को कंपेयर करें तो अच्छी कार है काफी। और इकोनॉमी वाइज भी अगर ट्रैफिक कंडीशन आपके कार अपनी सिटी में ज्यादा नहीं है तो आपको इकोनॉमी वाइज भी ये कार इतनी परेशान नहीं करेगी। बट हाँ, जिन सिटीज में मेट्रो सिटीज में ट्रैफिक कंडीशन ज्यादा है वहां पे आपको हो सकता है कि वो माइलेज को लेके एक इशू आपको फेस करना पड़े। अदरवाइज अभी तक हिल्स में भी मुझे अच्छी है माइलेज दे रही है। बाकी फाइनल माइलेज मैं आपको अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच के बताऊंगा। अगर आप लोग गैस कर सकते हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अभी इससे पहले हम लोग शिमला में थे, और अगर आप गैस कर सकते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड बाकी वो चीज तो हम रिवील करेंगे जैसे हम डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे कि हम कहाँ पहुंचे। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच के और शेयर करता हूँ आपसे फाइनल माइलेज क्या रहा है इस कार की। सो फाइनली गाइस, हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं। अभी हमें नारकंडा में, और इसको मैंने जो रन किया है, मैंने 106 किलोमीटर्स को रन कर लिया अभी। एंड जो एवरेज निकल के आई है वो आई है 15.8। तो हिल्स में 15.8 की एवरेज निकालना आई गेस बहुत ही अच्छी एवरेज है। एंड जितना आप इसको रन करोगे, जितना ढंग से इसको रन करोगे, उतनी ही अच्छी आपको एवरेज देगी। तो एवरेज को लेके आई गेस हिल्स में भी ऐसा कोई इशू नहीं है इस कार का। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।